गुड मॉर्निंग टू लता मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग थैंक यू गौरव गुड मॉर्निंग एवरी सब लोग आ गए होंगे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके गुड मॉर्निंग अंजलि जी वेरी गुड सब लोग आज का सेशन स्पेशल होने वाला है जो लेडीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको खास बनाता है तो, तो मैं यही चाहूंगी गुड मॉर्निंग एवरी नाम लता गोयल और पोजीशन डबल क्राउन डायरेक्टर और हमारी ही ऐसी लेडी जो वो भी आम से खास बन गई और उन्होंने क्या किया ऐसी लेडी जिन्होंने अपने काम से प्यार किया किसे अपने काम अपना काम क्या वेस्टिज खाने के साथ साथ खाना तो बनाया है रोटी बनाते बनाते कब स्टेज पे पहुंच गई जो हमारे साथ हुआ और कैसे वो खास बनी है फिर देखो काम कैसे तुमसे प्यार करता है जब हम काम से प्यार करते हैं तो काम भी हमारे से प्यार करता है वो ऐसी लेडी जिन्होंने मतलब हर काम में वो आगे रही है कि लेडी चाहे तो क्या नहीं कर सकती और बहुत ध्यान से सुनिएगा और सब लोगों को बुला लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सेशन है लेडीज के लिए खास तौर से क्योंकि सब लोग लेडीज अपनी एक रेस्पेक्ट चाहती है मान सम्मान चाहती है प्यार चाहती है रिकॉग्निशन चाहती है तो आज का सेशन सुन के आपको पता लगेगा आप, आप आपकी क्या वैल्यू है आप भी उनके जैसा बन सकते हो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले मतलब आ, मैं क्लैपिंग कराऊंगी देख सब लोग क्लैपिंग करो वीडियो खुली होनी चाहिए यस यस मैम वेलकम नन्ना मैम गुड मॉर्निंग थैंक यू थैंक यू गुड मॉर्निंग बढ़िया अंजलि जी बैठी हुई है वो कहते हैं ना मंजिले कदम चूमेगी रास्ता खुद बन जाएगा हौसला कर तो बुलंद भी जाएगा। भी झुक झुक जाएगा जाएगा इतनी ठंड में मजा आ रहा है ना अब जितनी जोर से ताली हाथ में गर्मी आ जाएगी है ना हजार नाऊंगी क्योंकि इतने सारे फॉरन टिप नैना जी ने किए तो मैं सोचूंगी उनकी जवानी उनकी जो भी स्टोरी है वो अपने मुंह से बताएंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा फौरन ट्रीट लिया उन्होंने घर बनाया और मतलब एक मुकाम हासिल किया उन्होंने करके दिखाया जो होती है ना पावर कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ मेरे अंदर भी पावर है एक दूसरे को देख के आती है ना जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ मैं भी कर सकती हूँ उसके भी दो हाथ है दो पैर है, ये तुम है ना? और वो भी खाना बनाते बनाते पे पोछ नहीं, तो मैं भी पोच सकती हूँ तो को, किसी से कम नहीं है अब इतने सारे लोग बैठे हैं तीस तीस चालीस पचास लोग जो भी बैठेंगे उसमें से दस की लाइफ भी चेंज हो गई ना आज कि भाई हाँ मैं भी बन सकती हूँ तो बहुत बड़ी बात होगी बहुत बड़ी बात तो ज्यादा समय ना लेते हुए तो मैं आज बुलाना चाहूंगी नैना जी हमारी मारे या कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है प्यार से 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 इंडिया इंडिया वाले वाले हर हार आप सभी का यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म पे आप सब लोग आए हो मुझे सुनने के लिए और सुनना ही नहीं है सिर्फ आप लोगों को आप लोगों को ये दिल तक बातें ले जानी है और नेक्स्ट सेशन आपका होना चाहिए मैं आपको सुनने आऊंगी तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम कि आप मुझे सुनने के लिए आए आप तो मेरा वेलकम कर रहे हैं मैं भी आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ तो कोशिश करें कि आप अभी और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं तो कर लीजिए बहुत अच्छा रहेगा और मैं स्लाइड शो करके ही आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी पूरी जर्नी बताऊंगी मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरा नाम नैना गुप्ता है और यूनिवर्सल गर्व आता है कि मैं एक, से, एक अगर वेस्टीज का प्लेटफॉर्म चुनाव किया हमने चुना लोगों ने मना किया कुछ भी किया पर मैंने चुना क्यों किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ लोगों को नहीं मालूम होता कि आप क्या कर सकते हो पर आपको जरूर मालूम होता है कि आप क्या कर सकते हो तो आज जितने भी लोग बैठे हैं आप सभी लोग इस बात को सोचें कि आप कहाँ पे हैं और आप कहाँ पर जाना चाहते हो आपके पांच साल के बाद क्या अर्निंग होने वाली है क्या लाइफ होने वाली है वो आप ही समझ सकते हो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं हरियाणा के फर्स्ट लेडी यूनिवर्कल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज में बनी मगर आप सभी के लिए एक मिसाल भी लेडीज के लिए कायम की कि पूरे हरियाणा में कहते हैं ना कोई भी निकलता नहीं है लेडीज की वैल्यू नहीं होती है लेडीज को गलत निगाहों से देखा जाता है कि अरे वो क्या करेगी लेडीज कुछ नहीं कर सकती मगर मैंने हरियाणा में ये चैलेंज लिया कि कुछ भी हो जाए अभी हरियाणा में कोई फीमेल नहीं है तो मैं आगे आकर देखा और यही हुआ आप सबका प्यार आप सबका रिस्पेक्ट आप सभी लोग जितना मुझे ऑनर देते हैं वो सब काबिल दारे पर मैं शायद इस लायक नहीं थी मुझे कोई पहचानता नहीं था ये पहचान वे इस चीज ने दिलाई है कुछ चीजें शेयर करूंगी आपकी अपनी जो जर्नी है वो हम स्लाइड के थ्रू करेंगे उसी हम उसी में हम बीच बीच में बात करते रहेंगे गौरव आपने मुझे होस्ट तो कर ही दिया होगा ना मैं स्लाइड शो करती हूँ yes, ना हाँ यस मैम स्लाइड स्क्रीन शो हो रही है आपकी लेकिन माइक आपका ऑफ हो गया है आ, म्यूट हो गया है uh, माइक अनम्यूट कर लीजिए मैम आपका माइक म्यूट हो गया है ओके गौरव यस स्लाइड शो हो रही है थिंक है ना यस मैम यस ओके ठीक है जैसा कि मैं अपने बारे में बता ही चुकी हूँ कि मैं यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर हूँ और आप इस स्लाइड में भी पढ़ पा रहे हो मेरा नाम नैना गुप्ता है मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ मगर वही होता है ना शादी के बाद जहाँ पे आपको जाना होता बस वहीं जाते हैं हमारे हस्बैंड सी हैं तो हस्बैंड की जॉब भी यही है पढ़ाई भी उन्होंने डेरी से की इस वजह से मुझे गुड़गांव ही रहना है शुरू से ही मैं गुड़गांव में ही हूँ तो आप सभी लोग जानते ही हो गुड़गांव के बारे में दिल्ली के पहले पे एनसीआर के बारे में आप सभी लोग नियर अबाउट ही हैं ज्यादातर यहाँ पे बाकी yes. कुछ होंगे बाहर का तो मुझे नहीं मालूम है यहाँ पे यूपी से भी लोग होंगे और हर जगह का सिस्टम जानते ही है कि आ, कहीं पे भी आप देख लो कहीं पे भी आप देख लो हर जगह पे यही होता है कि फीमेल्स ये काम नहीं कर सकती आपका क्या काम है आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर में खाना बनाना है अपने बच्चों को देखना है उनकी स्टडी पर ध्यान देना है और घर का रख रखाव करना है ठीक है ना सिर्फ यही चीजें फीमेल्स को शुरू में सिखाई जाती हैं और जब शादी नहीं होती है तभी भी यही बोला जाता है कि ससुराल में जाना तो अच्छे से रहना सुबह उठना खाना पीना बनाना सबका ध्यान रखना सबकी केयर करना ये सब चीजें बचपन से ही लड़कियों को सिखा दी जाती है आजकल के टाइम तो थोड़ा सा चेंज हो गया है कि हर लड़की पढ़ना चाहती है और उसके पेरेंट्स भी पढ़ाना चाहते हैं उनके ऊपर ये नहीं बोला जाता है कि आप खाना बनाना जरूर सीखो वो कहते हैं अपने पैर पे खड़ा होना जरूर सीखो को तो आजकल थोड़ा सा तो चेंज आ गया है कि हर लड़की को हर माँ बाप पढ़ाना लिखाना चाहते हैं बड़ा करना चाहते हैं उनको सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम सभी लोग भी उसी पे चले मगर देखिए जो लोग जॉब करते हैं जॉब में हमेशा कभी भी आप देख लो किसी को हर फीमेल सुबह निकलती है शाम को घर आती है टीचिंग जॉब करती है तो सुबह निकलती है सात बजे जब घर के लोग साथ सो रहे होते हैं उसमें वो स्कूल भी चली जाती है और वापस आती है तीन बजे इस बीच में जो फैमिली होती है जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं वो डे केयर में रहते हैं या क्रच में रहते हैं या कोई उनके लिए फुल टाइम मेड होती है मगर वो माँ बाप का प्यार बच्चे नहीं पा पाते इसमें वो भी कस्मो कस्म रहती है कि जॉब छोड़ नहीं सकते हैं और बच्चों की केयर कैसे बट कुछ लोग जॉब को भी क्विट करते हैं हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं उस प्लेटफॉर्म में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना कुछ भी सफर नहीं करना वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म घर में बैठ कर।, कर सकते हैं अपने फैमिली को संभाल सकते हैं अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं उनको मेट का प्यार नहीं माँ का प्यार मिलता है तो ये सब चीजें अगर आप सब लोग ध्यान दें यहाँ शायद वर्किंग लेडीज भी कुछ होंगी कुछ हाउस वाइफ्स भी होंगी कुछ करना चाहती होंगी और कुछ कर भी रही होंगी तो यहाँ पे क्या होता है ना

आप सब लोग आज जो सुनेंगे कहीं ना कहीं अपने दिल में और अपने पेपर में जरूर वो चीजें नोट कर लीजिएगा जो आप बनना चाहते हैं अगर आपने सोच लिया तो पूरी कायनात कायनात आपके साथ होगी और कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ते हुए कुछ मैं आपको स्लाइड शो और भी करती हूँ जिसकी वजह से आप देख पाओगे कि हमारी क्या अचीवमेंट्स रही मेरी अचीवमेंट्स वो रही है कि स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ तो मेरी शुरुआत प्रोडक्ट से हुई थी मेरे हस्बैंड सीए हैं जॉब करते हैं ऑफिस में कोई वैस चीज़ के प्रोडक्ट्स देकर गया था हम लोगों ने यूज किए और नो डाउट आप सबको पता है कि वे चीज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे हस्बैंड सीए हैं आपको पता होगा कि सीए की सैलरी अच्छी होती है मुझे जॉब की या किसी काम की जरूरत नहीं थी है ना बट मुझे कहीं ना कहीं ये था ना कि सीए तो मेरे हस्बैंड है मैं थोड़ी ना हूँ मुझे भी तो अपनी पहचान चाहिए मैंने अपनी पहचान के लिए काम को शुरू किया प्रोडक्ट अच्छे लगे एक दो बारी और मंगाए उन्होंने बोला इस बार मैं घर पे भाभी जी से भी मिलूंगा और उनको भी मैं इनके बारे में इसके बारे में बताऊंगा ये बोले ठीक है कोई बात नहीं चाय पीने आ जाना क्या दिक्कत है घर पे आ जाना उनको हम दस साल पहले से जानते थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो अपने अपलाइन को साथ में घर पे लेकर आए जब घर पर लेकर आए तो हम लोग को सब कुछ वो बता ही रहे थे और होता ही है सभी को कि यार बता रहे हैं कोई बात नहीं मुझे तो करना ही नहीं है क्योंकि अपने बस की बात नहीं है ये सब काम करना मैं उस समय चाय बना रही थी जब वो प्लान दिखा रहे थे चाय बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक की फॉरन ट्रिप मैंने कहा नहीं यार करना तो है प्रोडक्ट अच्छे लगी रहे हैं प्रॉब्लम क्या है और पैसे भी नहीं लगाने होते कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसका लॉस का खतरा है ऐसा तो होता नहीं है बस प्रोडक्ट ही तो यूज़ करने हैं यूज़ कर लेंगे और हम फॉरेन ट्रिप करेंगे जब वो लोग चले गए तो मैंने कहा इसमें तो प्लान तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गाड़ी घर सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना हम इसको कर लें बोले आ, कि लेडीज की बस की बात नहीं है ये लेडीज नहीं कर सकती तुम दो चार लोगों के पास जाओगी वो लोग तुम्हें मना कर देंगे तुम परेशान हो जाओगी तुम बोलोगी लो मेरी फ्रेंड है मेरी फ्रेंड ने मुझे मना कर दिया या मेरे पड़ोसी ने मुझे मना कर दिया ये मेरी सिस्टर ने मुझे मना कर दिया तुम्हें बुरा लगेगा तो छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं रहने दो मत करो ये सब जेंट्स कर सकते लेडीज नहीं कर सकती मैंने कहा ओके अब उनसे अगेंस्ट कैसे हम जाए बट मैंने अपने आप से तो चैलेंज लिया था ना कि मुझे फ़ॉरन ट्रिप करना है यहाँ से आगे सिलसिला शुरू हुआ ये चले गए ऑफिस उससे मैंने सोचा कि करना क्या है ये प्रोडक्ट ही तो है लोगों को बताना है मैं किटी पार्टी दो तीन मेरी थी किटी क्योंकि फ्री टाइम में लोग करते क्या यही तो करते हैं हम पहले करते थे आज नहीं होता है तो किटी में गए लोगों से बताया कि देखो ऐसे सप्लीमेंट्स मेरे पास आए और ऐसे से था देखो तो कितनी माइग्रेन का मुझे दर्द बहुत ज़्यादा रहता था और मेरे को देखो इसी से ठीक हुआ और हस्बैंड भी ऑफिस में जॉब करते तो शाम को आते थे ना थक जाते थे बहुत ज्यादा तो अब वो फ्रेश फील करते हैं थकान भी नहीं लगती उनको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं फिर तुम एक के झाइया थी बहुत फेस पे बोले हमने कहा देखो प्य तुम्हारा बहुत ज़्यादा है तो शायद इससे भी ठीक हो जाएगा मैंने उनको कॉल किया कि भैया इसका कुछ है बोले हाँ है उन्होंने कुछ ट्यूब्स वगैरह नाइट क्रीम वगैरह ला दी सप्लीमेंट्स दिया उनको दिया तो ऐसे करके छोटा छोटा करके इतना सारा मैं नहीं बताऊंगी इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई पहला चेक आया था एक सौ पैंसठ रुपए वो देख के बहुत अच्छा लगा कह रे वाह मैंने अपने घर के प्रोडक्ट को यूज़ करके ही कुछ सेविंग भी की है और मुझे कुछ अर्निंग भी हुई है फ़ोन में मैसेज आ जाता है अगले महीने जब हमारी बिलिंग होती है तो हम उसमें इसको माइनस करवा देते हैं पैसों को तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता चला कि मैं काम कर रही हूँ मैं लोगों से बात कर रही हूँ मैं लोगों को शेयर कर रही हूँ अगर शेयर करने से पैसा आता तो क्यों ना करो मैंने कहा दो चार को शेयर किया घर में यूज़ किया एक सौ पैंसठ रुपये आए अगर दो चार हजार लोगों को कर देंगे तो ये लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा ये कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ और ये जुड़ते क्रम में हमारा बिजनेस बढ़ा मैं डायरेक्टर बनी जब डायरेक्टर बनी तो वहां पर जब लेटर आया गौलिय सरकार सिग्नेचर किया हुआ उस दिन मैंने कहा अब तो बताना ही पड़ेगा टेबल पे मैंने लेटर डाल दिया शाम को जब ये ऑफिस से आए तो इन्होंने पूछा ये क्या है मैंने कहा आप खुद ओपन करके देखिए अच्छा मैंने ओपन करके पढ़ के चुपका दिया दोबारा मैंने का, नहीं अपने आप नहीं बताएंगे इनको पढ़ने देते हैं कहा देखिए फेल हो जाते तो आप भी मुझे बोलते कि मना किया था ना तुम्हारे बस का नहीं है लेडीज नहीं कर सकती तो नहीं करो और तुमने नहीं माना देखो करी देखो नहीं हुआ मगर मैं, मैंने कहा जब मैं सफल हो जाऊंगी तभी मैं आपको बताऊंगी और मैंने उस दिन जब इन्होंने लेटर पढ़ा और ये खुश हुए ये बोले कि तुमने काम भी किया डायरेक्टर भी बन गई मुझे घर में पता भी नहीं चला बच्चे भी सफर नहीं हुए मैं भी और मेरे को प्रॉपर सब कुछ टाइम पे सब कुछ मिला घर में भी देख के ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम कहीं बाहर जाती हो या अः कुछ काम कर रही हो मतलब वेल सेटल सब कुछ था हमारा तो देखिए अपने ऊपर होता है कि हमें क्या करना है किसी को कोई करवा नहीं सकता ये दिल से होती चीजें कि मुझे किस मुकाम तक जाना है और मुझे कितना आगे करना है एक फीमेल पता नहीं कितने सारे लोगों को आगे बढ़ा सकती है अगर आप सोचोगे तो अगर आप सोचेंगे ही नहीं अपने लिए तो आप किसी और के लिए क्या करेंगे तो यहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुई इन्होंने लैपटॉप खोला और अपना इस बिजनेस को देखा गूगल पे सारा बिजनेस आता ही है उन्होंने देखा इस चीज का बिजनेस क्या है और इनको भी एक चीज क्लिक हुई पैसिव इनकम तो पैसिव इनकम वो होती है हम नहीं भी होंगे तो ये पैसा हमारे घर हमारे बच्चों को आएगा जनरेशन इनकम देता है जनरशन प्लान है बच्चों के बच्चों तक ये पैसा जाता है ये देखकर अच्छा लगा और मैंने वहीं से अपना स्टार्ट किया एक दूसरी बात और बताते हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था उन्होंने ट्वीट कर लिया मेरे ऊपर जितने भी अप्लायंस थे कोई भी काम नहीं कर रहा था और मैं सारी अप्लायंस को जानती भी नहीं थी कि मेरे ऊपर और कौन कौन से लोग थे आगे बढ़ते हुए मैंने सिल्वर डायरेक्टर किया क्योंकि वो जो मुझे बता के गए थे प्लान कहीं ना कहीं वो मेरी वो मेरी डायरी में था और मैं उसी को देखा मैंने गूगल पे सारा बिजनेस देखा कि अगर हमारे नीचे एक डायरेक्टर होता है तो हम सिल्वर हो जाते हैं यहाँ से मुझे ट्रेबल फंड स्टार्ट हो जाता है मैंने फिर अपने काम किया और अपने नीचे एक डायरेक्टर बना के मैंने ट्रेबल फंड को शुरू किया जब मेरा सिल्वर डायरेक्टर हुआ उसके बाद हमारी नीलमा मैम ने देखा कि से से एक लाइन बहुत ज्यादा पीवी आ रहे हैं आखिर कौन काम कर रहा है मैम ने फिर खोजा मुझे निकाला मुझे ढूंढना कि मैं कहा सब ऑफिस वगैरह से नंबर लिया और मुझे कॉल किया कि नैना मैं तुम्हारी अपलाइन हूँ तुम कैसे काम कर रही है तुम्हें कौन सपोर्ट कर रहा है मैंने कहा मैं बस चलते जा रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं कि काम कैसे करना है बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं पीवी तो ऐड होते ही चले जाते हैं कभी ज़ीरो नहीं होते हैं और इतना पता है कि एक डायरेक्टर अगर और बना देंगे साइड में अठारह सौ पी करने हैं तो मैं सिल्वर डायरेक्टर हो जाऊंगी और मुझे फंड मिलेगा मैंने मैम को शुरू की बातें बताई कि मुझे एम ए ज्वाइनिंग ऐसे ऐसे करके हुई और वो बोली कि कोई बात नहीं आज अब तक जो हुआ वो हुआ तुमने बहुत मेहनत की बहुत मेहनत से सब कुछ किया आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ और उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पढ़ाना लिखाना शुरू किया बारह बारह कि एक एक, एक, -एक बच्चा बात करते थे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ही मुझे से चलना सिखाया और बीच में जितने भी मेरे अपलायंस थे किसी का भी सहारा मुझे नहीं मिला जैसे ही उनका सहारा मुझे मिला मैं सिक्स मंथ के अंदर अंदर स्टार डायरेक्टर बन गई और मैंने गाड़ी भी अचीव कर ली सिल्वर तक बने में बहुत मेहनत आई क्योंकि मैं अकेले कर रही थी मुझे पता भी नहीं था कि लोगों से बात करते करते आगे बढ़ रही थी वही होता है ना कि अगर आपका 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 अपलाइन साथ दे दे तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर दे मगर एक चीज और सीखिए कि कभी भी हमेशा अपलाइन की, की उंगली पकड़ के मर चलो कि जब तक कि वो ना कहे तब तक आप ना करो जब तक वो साथ में ना चले आप मीटिंग नहीं कर सकते हो आप खुद सीखिए अगर आप खुद सीखते हैं ना तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं यही कामयाबी का रास्ता है सेल्फ डिपेंड बनो आप जितना आपको आएगा उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते हुए मेरे को फॉरन ट्रिप जैसे मैंने बताया इसकी वजह से मैंने काम किया था थैंक यू वेस्टेज मैनेजमेंट आपने हम फीमेल्स के लिए इतना अच्छा बिजनेस बनाया जिसमें कोई कुछ भी लगता नहीं है और हम सिर्फ इंजॉय ही इंजॉय करते हैं कुछ हमारे ट्रिप्स पहला ट्रिप मैंने आप उधा दुबई किया था हम सभी लोग एक साथ गए थे और बहुत ही एंजॉय किया इसमें देखिए फोटो बहुत होती है बट मैं कुछ ही लगाऊंगी क्योंकि टाइम से ज्यादा हो जाता है ना फिर मैंने मलेशिया और थाईलैंड का ट्रिप किया था क्रूज पर हम लोग गए थे बारह फ्लोर का था इसमें सारे बेस्ट थे और बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा इंजॉय हम लोगों ने किया मतलब ये सब चीजें जो आपको शेयर करने का मेरा पर्पज है वो यही है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप से पूछो क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या मुझे भी ये सब चाहिए

उस दिल से बोलो यस मैं कर सकती हूँ मुझे ही करना है आप सब लोग जब लोग जाते हैं साथ में सभी एंजॉय करते हैं फिर आपको पता है यहाँ से गाड़ी भी मिलती है मैंने पहले गाड़ी जब ली थी ग्रैंड तो मैंने अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पे गिफ्ट दी थी और मैंने दूसरी गाड़ी क्रेटा ली मैंने अपने बेटे को सी होने पर उसको गिफ्ट में दी है ये सब फीडबैक कहाँ से मिलती है वैसे से क्राउन बनते हैं स्टेज पर जाते हैं बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है पुरानी सर और गुरशन सर हमारे बॉरियर मैनेजमेंट है आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू आप सबका साथ हमेशा ऐसे ही मिलते रहे और हमेशा मिला ही है क्राउन सेलिब्रेशन करने के लिए हमारी नीलमा मिश्र मैम भोपाल से आई हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारा सेलिब्रेशन किया कि बोले कि नहीं आपका हरियाणा के फर्स्ट लेडी क्राउन डायरेक्टर हो तो सेलिब्रेशन करना तो बनता ही है ये मेरी पूरी टीम है बहुत अच्छे से इन लोगों ने सेलिब्रेशन हमारा किया हर चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छी मिलती है यहाँ से मैंने घर भी लिया नो डाउट मेरे पास पहले से घर था मेरे हस्बैंड ये हैं गाड़ी पहले से थी घर पहले से था हर चीज मेरे पास पहले से थी मुझे किसी चीज की नीड नहीं थी कि मैं इसलिए काम करूं बट मुझे नीड ये थी कि मैं क्या हूँ और जस्ट सेकंड जस्ट यस yes. तो सब कुछ मेरे पास था पहले से बट आ, मैंने इसलिए इसको किया क्योंकि मुझे अपनी पहचान बनानी थी और मैं अपने साथ अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप कराना चाहती थी मैं कितनी भी अच्छी जॉब कर लेती तो भी मुझे ये फ्रीडम नहीं मिलती आप अगर देखिए आपकी टीम में भी लोग होते हैं बहुत हायर क्वालिफाई होंगे कितनी भी अच्छी जॉब कर रहे होंगे फिर भी अपनी फैमिली को ये चीजें गिफ्ट दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं ये कहाँ पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज में तो वेस्टीज जो ऐसी है ना वो के लिए कितना भी कहा जाए बहुत काम है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनी सेलिब्रेशन हुआ स्टेज पे हम सब ऐसे जाते हैं जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आता है है ना हम सेलिब्रिटी से कम नहीं होते हैं यू का सेलिब्रेशन करने के लिए देखिए गुरसरन सर हमारे यहाँ आए हुए हैं हमारी टीम ने पूरा अरेंजमेंट किया था और सबको इनवाइट किया था तो ये प्यार ये रिस्पेक्ट ये ऑनर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा हमारी एनिवर्सरी थी और मेरी एनिवर्सरी को भी बहुत अच्छे से इन लोगों ने सेलिब्रेट किया अगर आप लोगों की एनिवर्सरी होती है या वैसे चीज़ में जो लोग नहीं होते हैं या उनकी एनिवर्सरी बर्थडे कभी सेलिब्रेट होता है ऐसे नहीं होता है कभी भी नहीं हो सकता और बिना लालच के बिना किसी शिकायत के बिना कुछ आ, मतलब ऐसे ही हमारी टीम सब कुछ करती है ये हमारा वीमेन इन्वायरमेंट का जैसे आज हमारा टॉपिक भी है कि फीमेल्स के लिए वेस्टिस क्यों करनी चाहिए क्या फ्रीडम देती है और क्यों बेस्ट है है ना तो वीमेन इन्वायरमेंट का तो प्रोग्राम हमारा दिल्ली में होता है हम लोग उसको अटेंड करते हैं और आप सब लोग भी अटेंड करें प्यारलाल भवन में हमें मौका दिया गया और स्पीच हमने दी आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद कुछ लोग उसमें थे भी और सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोगों को आप पहचान भी रहे होंगे और में बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं मगर गुरसरन सर ने मेरा नाम अनाउंस किया था उस दिन और भी ज्यादा प्राउड मुझे आया कि आखिर कुछ तो ऐसा उन्होंने मेरे में देखा होगा और मैं डर रही थी मैंने कहा सर इतनी बड़े प्लेटफॉर्म में मैं नहीं करूंगी बिल्कुल मीटिंग बोले तुम कर लोगी मुझे पूरा भरोसा है तुम कर लोगी करो अब चिंता मत करिए करिए कि भाई हम इस काम को कैसे करा सकते हैं कैसे कर सकते हैं और वैसे क्या है वो है डाक टिकट की तरह चिपके रहिए जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए समझ में आ रही मेरी बात डाक टिकट क्या होती है टिकट जब किसी पोस्ट पर लगाई जाती है चिपकाई जाती है तो जब तक लिखे हुए एड्रेस वो पहुंच नहीं जाती है तब तो तक वो चिपकी रहती है ना तो ऐसे वो आपकी मंजिल आपकी मंजिल यहाँ पर क्या देखिए मेरा फॉरन टिप था हो सकता है आपका कुछ और हो सबका वाई अपना अपना होता है रीजन अपना अपना होता है तो आपके दिल में जो ख्वाहिश है जो सपने अभी तक आप खत्म कर चुके हो जिनके बारे में सोचने से आप डर रहे हो तो वहां तक पहुंचने के लिए आप डाक टिकट बन जाओ इस चीज में जब तक वो मंजिल ना मिल जाए ना तब तक आप चिपके रहो और लगातार लगातार काम करते रहो आगे बढ़ते हुए ये क्या है ये सारी फीमेल्स है ना सारी फीमेल्स मगर सब हाउस वाइफ हैं एक अंधेरे में खड़ी हुई हैं इनकी कोई भी पहचान नहीं इनको कोई भी नहीं जानता नहीं जानता है ना और वो खुद डर रही हैं अपने आप को सामने लाने में कि यार मैं तो हाउस वाइफ हूँ मैं कैसे किसी और के सामने बोल सकती हूँ या मैं किसी और को कैसे फेस कर सकती हूँ मैं कैसे स्टेज पे बोल सकती हूँ मुझे तो ये नहीं आता मुझे तो वो नहीं आता एकदम गुमना अंधेरे में खड़ी हुई उनकी कोई पहचान नहीं है उन्हें कोई नहीं जानता बट जब कोई वेस्टीज में आता है या कोई कुछ करता है तो उनकी अपनी पहचान हो जाती है कुछ डॉक्टर्स बन जाते हैं कुछ कैमरामैन बन जाते हैं कुछ जिम इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो देखिए क्या होता है जब हम वेस्टीज के थ्रू कुछ लोगों से मिलते हैं तो आपको इस तरीके की, की फीमेल्स जो मिलती हैं वो देखिए हमेशा सामने रहती हैं कभी पर्दे के पीछे नहीं रहती आज हेलीकॉप्टर से लेकर रिक्शा तक फीमेल चलाते हैं क्या नहीं कर सकती है पेट्रोल फीमेल्स मिल रही हैं है, है मोदी जी कहते भी हैं कि अगर हमने महिलाओं को सशक्त कर दिया तो पूरा देश बढ़ जाएगा इसकी जीडीपी बढ़ जाएगी इसको कोई भी नहीं रोक सकता तो आपको अगर करना है वीमेन हमारी मल्टी टैलेंटेड होती आज सुबह ग्यारह बजे का सेशन था है। है ना? तो इस ग्यारह बजे के सेशन में आप जितनी फीमेल्स बैठी हैं सभी ने ब्रेकफास्ट बनाया होगा हस्बैंड ऑफिस गए होंगे तो उनका लंच भी प्रिपेयर करके दिया होगा बच्चे स्कूल गए होंगे तो उनका भी लंच बॉक्स दिया होगा उनको भी रेडी किया होगा तो इस तरीके से सारे लोग काम करते लेडीज जो चाहे वो कर सकती मल्टी टैलेंटेड होती है वो आपने देखिए ऑफिस में काम कर रही लैपटॉप चला रही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसका घर में लैपटॉप चला रही है फिर अपने बच्चे को भी खिला रही है कभी वो रो रहा है उसको कुछ दिखा रही है तो घर में खाना ही बना रही है घर को भी संभाल रही है ये सब काम आप वेस्टीज में कर सकते हो मैं भी घर से बैठ के ही आपको जूम मीटिंग दे रही हूँ आप लोग भी घर में बैठ कर ही इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं अगर आप जॉब कर रहे होते तो आप ऑफिस से ले जाते हैं नौ बजे से पहुंच नहीं था चाहे कितना भी ठंडा हो चाहे कितना भी गर्म हो बारिश हो या कुछ भी हो आपको ऑफिस नौ बजे का टाइम है तो पहुंचना पड़ता है मगर वेस्टीज में आपको टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम सारे फ्रीडम्स मिलते हैं तो आप कभी भी कहीं पर भी नहीं जा सकते मतलब आप अपने सिर्फ और सिर्फ घर में बैठकर सारे काम कर सकते हो मगर इवेंट्स को अटेंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से आपकी ग्रोथ है दुनिया में हर चीज जो है ना ठोकर खाने से टूट जाती है कभी भी आप देखो कुछ भी ठोकर लगा गिर गया टूट गया है ना मगर एक कामयाबी ही ऐसी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है यू you नो know? अगर कामयाबी आपको पानी है ना तो ठोकर तो खानी पड़ेगी कुछ लोगों के पास जाना होगा वो लोग आपको मना करेंगे आपको डिमोटिवेट करेंगे कि नहीं यार तुम नहीं कर सकती है, तुम्हारे बस की बात नहीं मैम ने कर लिया तो कर लिया लता मैम ने कर लिया तो कर लिया तुम नहीं कर सकती अरे तुम तो बोल भी नहीं पाती ठीक से अरे तुम्हें तो इस चीज की नॉलेज भी नहीं है बट आप नहीं डरना मुझे भी कुछ नहीं मालूम था करते करते ही जाना मैंने करते करते ही सीखा मैंने जितना आप करोगे ना उतने ही ज्यादा आप ग्रोथ करोगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी जैसे करत करत अभ्यास जलमत निशान इस तरीके को अगर जो कबीर जी के दोहे हैं ना आप उनको अगर देखो तो बहुत सारे उनके मतलब निकलते हैं उन मतलब को अगर आप अपने ऊपर ले लोगे अपने को समझ लोगे आप बहुत कुछ कर सकते हो अब आप देखो यहाँ पे जो चीज में लिखा है क्या लिखा है नर पढ़ने में सबको आ रहा है ना और yes, अब, क्या yes. अब क्या लिखा है अब क्या लिखा लिखा है बताओ गौरव जी नारी हाँ तो समझ में आया ना नर से भारी नारी है क्योंकि नर में कोई भी मात्राएं नहीं है नारी में दो दो मात्राएं लगी हैं गौरव जी समझ में आया नर से भारी नारी होती है तो जितने भी यहाँ पे फीमेल्स बैठी हैं जोरदार अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर दे कि हम सब नारी हैं और नर से भारी हैं क्योंकि हम घर में काम करने के बाद भी अपनी नेटवर्किंग को चला लेते हैं और बहुत ही ज्यादा आगे ग्रोथ कर लेते हैं हम कोई मेल से पीछे नहीं है 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 ना चलो एक एक बात बात पे एक नाम की आ रही और नारी की बात आ रही है, आ रही है। तो ट्रैफिक पुलिस की हम बात कर लेते हैं जो वुमेन ट्रैफिक पुलिस होती है ना महिला ट्रैफिक पुलिस उनकी बात कर लेते हैं स्टोरी सुनाती हूँ एक छोटी सी कि एक चौराहे पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी रेड लाइट के पास उसमें से एक बंदा था जो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था वो तो देखने नहीं गया मगर एक घंटे का जाम था तो गाड़ी से उतर के देखने गया आखिर जाम क्यों लगा हुआ क्या कारण है किसी का एक्सीडेंट हो गया या कि कुछ हो गया जब देखने गया तो वहाँ पे पता चला कि एक महिला ट्रैफिक पुलिस थी उसने किसी को रोक रखा था उसके पास उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था तो उसको वहां पर इसलिए चालान काट रही थी तो उस बंदे ने बोला कि मैम मैं, मैं यहीं पे जा रहा था हेलमेट नहीं लगाया तो क्या हुआ तो उसने बोला कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है मैं आपको सिखाने के लिए यहां पर आई पे मेरी ड्यूटी है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको जरूर आप इस तरीके का आ, आपको करना है तो ये बोले ठीक है भैया चालान तो कटेगा ही आपको चालान कटवाओ तो मन नहीं मान रहा था इस बात में काफी बात बढ़ती चली गई फिर ये जब बात चढ़ी फिर लोगों ने बोला नहीं ये तो गलत है और आपको चालान कटवाना ही पड़ेगा उस महिला के यहाँ पर टैग लगा था जैसा कि हम लोगों का ये देखिए मिलता है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का आप लोग देख पा रहे ना ऐसे ही एक नेम फेम और एक जो हमारा लेवल्स होता है ना उनका ये हमें सर्टिफिकेट है कि मैं हूँ यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर सभी के ब्रेच ब्रोचेस लगे होते हैं महिला ट्रैफिक पुलिस का भी आपने देखा होगा कि लगा होता है चाहे कोई भी हो नाम लिखा होता है वहां पे कि फलानी जैसे नैना गुप्ता नाम लिखा होगा इस तरीके से उसके नाम लिखा था और जब थोड़ी देर के बाद वो ऑफिस बंदा पहुंच गया पहुंचने के बाद पता चला कि आज तो छुट्टी है आज कोई काम नहीं होगा वो पड़ोस के चाय के ठेले पर जाकर चाय पीने लगा वहां पर देखा कि वही महिला पुलिस जो उस समय भीड़ में खड़ी थी और चालन काट रही थी वो भी यहाँ पर चाय पी रही थी चाय पी पीते पीते जब उस जेंट्स चुस्की ली तो बोला कि मैडम आपने उसको छोड़ दिया चालन काट दिया बोले ये तो होता रहता है क्योंकि रूल रेगुलेशन तो मुझे सिखाने के लिए बोला ही गया है और वो इतनी कूल महिला थी वो शायद किसी से जोर से बात भी नहीं कर पाती थी पर वो समझ नहीं पाई कि ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं तो उसने पूरा सुबह का वाकया बताया कि ऐसे ऐसे करके जाम लगा था और आपने ये उसको बोला था ऐसे से ये बात हुई थी ये बोला कि ठीक है हाँ देखिए जो जिस समय हम होते हैं उस समय हम अपने काम में ईमानदारी से काम करते हैं और जब हम उस ड्रेस को चेंज कर लेते हैं तब हम वो नहीं रहते हैं यानी कि ये जो महिला पुलिस थी उसका काम था उस रेड लाइट पे जितने लोग गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं या लाइसेंस नहीं है या हेलमेट नहीं लगाए हैं या बेल्ट नहीं लगाए हैं उस समय वो काम कर रही थी अपना मगर जैसे ही उसने वो अपनी ड्रेस को चेंज किया तो वो नारी ही हो गई वो कूल हो गई वो सॉफ्ट नेचर की हो गई तो वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर की लेडी थी उसने फिर जेंट्स ने बोला कि मैम लगता तो नहीं कि आप इस तरीके से करते हो बोले देखो उसने फिर सारा पूछा कि आप किस फैमिली से हैं कैसे आप पुलिस ट्रैफिक बनी ट्रैफिक पुलिस बनी सब कैसे हुआ तो उन्होंने बोला कि देखो सर मेरे घर में मेरे हस्बैंड बहुत ही बड़े मतलब उसमें आर्मी में हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं मगर मेरे हस्बैंड है मैं अपने घर में अपने बच्चों को देखती हूँ अपनी फैमिली चलाती हूँ मगर मुझे भी अपनी पहचान बनानी थी इसलिए मुझे ये अब्रोच लेना था और मैंने इसके लिए मेहनत की मैं आज ट्रैफिक पुलिस में आ गई हूं और मुझे अपनी पहचान के लिए काम करना था इसलिए मैंने ये काम किया सिर्फ और मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है तो कहने का मतलब ये अगर कोई भी महिला चाहे कि मुझे अपनी पहचान बनानी है कहीं पर भी हो किसी भी फील्ड में हो अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आप अपने ऊपर काम करिए बुक रीडिंग करिए जैसा बनना चाहते हो उन लोगों के साथ रहिए अच्छी बातें सुनिए निगेटिव बिल्कुल मत होइए हमेशा पॉजिटिव ही रहिए हमेशा एनर्जेटिक रहिए तभी आप कुछ कर सकते हो अब प्रत्येक देश को दो पंख होते हैं एक लेडीज एक जेंट्स एक नर एक नारी है ना तो मगर आप ये देखो ना देश की उन्नति एक पंख की उड़ान से हो सकती है क्या अगर सिर्फ जेंट्स जेंट्स सारे हो तो क्या हमारा देश बढ़ सकता आगे नहीं तो नर से भारी नारी का एग्जाम्पल ये बहुत बड़ा है प्रत्येक देश के दो पंख होते हैं एक महिला और एक पुरुष देश की उन्नति एक पंख की उड़ान से नहीं हो सकती है उसको दोनों पंख की जरूरत होती है इसलिए आप सभी फीमेल्स कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे आप बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं अपना अपना जज्बा बना के रखो कि मैं नारी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ कुछ फीमेल्स ना अपने आप को अंडर अरे मैं तो लेडीज हूँ मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ अरे मैं नहीं कर सकती हूँ तो ये मत सोचो भाई आप लेडीज हैं आप बहुत कुछ कर सकती हैं ये अपने आप को सोचो है ना जब आप सुबह उठते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं आजकल ठंड है ना ठंड में सब क्या करते हो जैसे रजाई खोली देखा बाहर थोड़ा सा फॉग हो रहा है फिर सो गए अरे थोड़ी देर में उठ जाएंगे कोई बात नहीं जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं दोबारा सो जाओ और सपने देखो और हम जैसे नेटवर्क क्या करते हैं सब घर में सो रहे होते हैं खुद उठ के सारा फटाफट घर का काम निपटा देते हैं और उठ के भागते हैं अपने सच करने में सपनों को अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे तो हम ग्यारह बजे कैसे मीटिंग आपके लिए करते हैं कल कर मैं शादी में गई थी फिर भी आपके लिए पीपीटी बनाई क्यों क्योंकि मुझे एक शौक है मुझे ये लगता है कि अगर हमारी वजह से कुछ लोग और आगे चले जाए और उनके ड्रीम्स पूरे हो जाएं तो क्या दिक्कत है दोबारा सो सोचा और सपने देखो नंबर दो क्या कर सकते हो उठो और अपने सपने सच करने में लगा दो तो भाई चॉइस आपके ऊपर है मैंने तो नीचे का नंबर दो वाला चॉइस लिया था अब आप देखो आपकी क्या चॉइस है मुझे मुझे लगता है यहाँ जितने लीडर्स बैठे हैं नंबर टू वाला ही ऑप्शन ले गया अगर आपको जीतना है तो सुने ज्यादा और बोले का आप किसी के पास प्रोडक्ट लेके जाते हो बिजनेस बताते हो सामने वाला आपको ओ, कुछ बोलता है उससे पहले आप खुद बोल देते हो तो ये मत करिए पहले सामने उस बुक को सुनिए कि देखिए वो क्या बोल रहा है क्या प्रोडक्ट के बारे में बोलता है बिजनेस के बारे में बोलता है आपके बारे में बोलता है जैसे मैं हूँ मेरे हस्बैंड सी हैं मेरे को बहुत लोगों ने बोला अरे आपके हस्बैंड तो सी हैं आपको क्या जरूरत है काम करने की अरे आप क्यों धूप में जाते हो मगर मैंने कभी किसी को नहीं बोला कोई जवाब नहीं दिया जब मैं जाती थी धूप में मेरी गली में से बाहर ना लोग बैठते थे शाम को तो लोग बोलते अरे या मैं आ, आपके हस्बैंड तो सीए, क्या करोगे इतने पैसे का इतनी धूप पे क्यों जा रही हो अरे इसी में घर में बैठो क्यों जा रही धूप में देखो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले मेरी एक गाड़ी थी हस्बैंड की वो लेके जाते थे मैं तो मगर पैदल ही मैंने काम शुरू किया ना अपनी गली से बाहर निकल के मुझे ऑटो रिक्शा कैब ये सब मिलते थे ठीक है मैंने भी पैदल ही शुरू किया आज दो दो गाड़ियां और ले ली अब मेरे पास तीन गाड़ियां हैं एक हस्बैंड की एक बेटे की एक मेरी जैसे दूसरी गाड़ी मैंने इनको गिफ्ट दिया तो उनकी गाड़ी फ्री हो गई उनकी गाड़ी मैं चलाने लग गई तो क्या हुआ हमने शुरू से अब लोग बोलते हैं आपके पास तो गाड़ी है इसलिए आप चले जाते हो आपके पास तो सुविधा है इसलिए आप कर लेते हो नहीं ऐसा नहीं है जब शुरुआत करते हैं ना तब आपको पैदल ही चलना पड़ता है आपको अकेले ही चलना पड़ता है अकेले चलोगे कर्म आपके पीछे चलेगा आज दस हजार पांच सौ फीमेल्स हमारे पास हैं वो कैसे हैं शुरुआत में तो आपको बताया था ना कैसे मैंने शुरू किया वो धीरे धीरे ही चलता है एकदम से कहिए आप हजार लोग आपके साथ आ जाए सारे लोग आपको हाँ कर दे जहां पे भी आप बैठो हाँ हाँ दे दो मेरे को प्रोडक्ट में ज्वाइन कर लूंगी मैं इतने का दस हजार का सामान ले लूंगी नहीं करेगा कोई आपको गाइड करना पड़ेगा आपको अपनी जर्नी सुनानी पड़ेगी बतानी पड़ेगी आपने क्या अचीव किया इसके लिए करना क्या सबसे पहले आपको अचीव करना है कोई अगर बोलता है अरे कार की फोटो दिखा रहे हो मैम के पास कार है तुम्हारे तो पास क्या है तो बोलते ना उसी कार की तैयारी के लिए ही तो मैं काम कर रही हूँ उसी फॉरेन ट्रिप जाने के लिए तो मैं काम कर रही हूँ है ना पहले दिन किसी के पास कुछ नहीं आ जाता मगर अगर आप पैशन बना के रखे आपने छोड़ा नहीं आप कंटिन्यू रहे जैसे हमारी कंसिस्टेंसी में चार महीने लगातार लेते हैं तो पांच महीने फ्री रहे ना सारे सामान फ्री रहे आपके ऐसे ही अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो हमेशा आपकी ग्रोथ होगी आप रुकना नहीं और झुकना नहीं ठीक है चलिए इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है अब आप देखिए सेलिब्रिटी बनना चाहते हो यस सब सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं तो आज आपकी पहचान बनी और आप सेलिब्रिटी बन गए आज लोग ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं साथ में फोटो खिंचाना चाहते हैं कहीं पर जाओ तो लोग नाम बोलते हैं नाम से लोग जानते हैं और सब लोग प्राउड भी करते हैं कि मैं हरियाणा के फर्स्ट लेडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनी ये पहचान आपको सिर्फ इस चीज में बनेगी आप कहीं पर भी काम कर लो आपको वो पहचान नहीं मिल सकती कभी भी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अगर सक्सेस नहीं है तो जरा मुझे बताइए क्या इसके ये प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हो ना देखो जो सक्सेस नहीं है ना वो मैं हंड्रेड परसेंट बता सकती हूँ कि यही प्रोडक्ट उनके घर में आ रहे होंगे पक्का आ रहे होंगे आ रहे हैं ना मेरे को कोई मत बताइए सर अपने आप से पूछिए क्या विंबार से आप बर्तन धो रहे हो क्या आपकी ड्रेसिंग टेबल पर पॉन्ट्स क्रीम रखी है क्या आपके बर्तन धोने के लिए ये विंबार आ रहा है या शैम्पू लगाने के लिए आपको क्लिनिक प्लस आ रहा है ये सब चीजें आप खुद सोचो अगर आपने इन्हीं प्रोडक्ट्स को चेंज कर दिया घर से निकाल दिया बाहर कर दिया बैकआउट कर दिया क्योंकि आपके ड्रीम के आड़े यही वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अगर आप इन प्रोडक्ट से टाटा बाय बाय कर लोगे ना इनसे आप नफरत कर लोगे तो आप क्या करोगे इस चीज के प्रोडक्ट लाओगे क्योंकि यही आपके सपनों को पूरा करेंगे इन सपनों को पूरा करने के लिए दूसरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको घर से निकालने होंगे और वे चीज के प्रोडक्ट आपको लाने पड़ेंगे yes? Yes. अंग्रेजों ने पूछा भारतीय स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती सामने लिखा है आप लोग पढ़ भी सकते हो भारतीय स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है स्वामी विवेकानंद जी ने कितना अच्छा जवाब दिया सुनिए और गौर फरमाइए क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति आपकी रानी से हाथ मिला सकता है अंग्रेज बोले नहीं स्वामी विवेकानंद ने बोला हमारे देश में हर एक स्त्री रानी है समझ में आया आप लोगों को तो हम सब कौन हैं हम लोग हैं हम लोग रानी है इसलिए हम लोग, लोगों से अलग हैं तो हम सब वेस्टिजियन जो भी हैं फीमेल्स वो सभी लोग अपने अपने आप को पहचाने किसी को कुछ ना बताएं ड्रीम लिखें अपने आप से पूछे मुझे वेस्ट चीज में क्या करना है जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो आप लीजिए अब आप इंटरनल कितना भी सुंदर हो जाओ है ना एक्सटर्नल सुंदर कितना भी हो जाए इंटरनल अगर नहीं हो तो कोई फायदा नहीं आप मार्केट की क्रीम लगा रहे हो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो या आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो है ना उससे आपकी कोई पहचान तो नहीं बन रही ना मगर वेस्टीज में आने के लिए आप जब सप्लीमेंट्स खाते हो आपकी हेल्थ अच्छी होती लोग पूछते हैं आपसे कि अरे यार इतना कोरोना आ गया तुम्हारे लोग क्या तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ तो आप प्राउड से कह सकते क्योंकि हम लोग वेस्टीजियन हैं और हम वेस्टीज के सप्लीमेंट्स यूज करते हैं इसलिए कुछ नहीं हुआ इस समय कोल्ड कप सब कितना चल रहा है फीवर कितना चल रहा है लोग पूछते हैं और आप सबसे पूछते होंगे यार तुम लोगों को तो कुछ नहीं होता हमारे तो पता सबको कोल्ड बना रहता है पूरी ठंड में ऐसे ही रहता है आप बोल सकते हो प्राउडली कि मैं वेस्टिजियन और के के हेल्थ केयर के सप्लीमेंट हम यूज करते हैं अगर आपका तन सुंदर होगा आप अंदर से सुंदर होंगे आप परमानेंट सुंदर होंगे तो आप दुनिया के आगे अपनी जो भी सपने हैं उनको पूरा करके आप आगे आ सकते हो और बहुत बड़ा मुकाम साबित कर सकते हो अब आप देखो ना कितने सारे गोल्स लोग लिखते हैं आप जितने यहाँ बैठे सबने लिखे होंगे गोल्स, गोल्स। तो आप गोल लिखिए छोटे 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 गोल बनाए अपने घर में यूज होने वाले चीजों से स्टार्ट करें जो भी चीज आपको अपने घर में चाहिए ओवन चाहिए मिक्सी चाहिए फोन चाहिए सोफा चाहिए कुछ भी है एक्सचेंज करना अपने घर से स्टार्ट करो अपने बच्चों के लिए कुछ लेना है एक इवन दो एक कपड़ा या एक सूज भी आप लिख सकते हो उसमें कि मेरे को ये चीज लेनी है और डेट के साथ लिखेंगे छोटे छोटे गोल पूरे करते करते आप बड़े गोल्स पूरे करना शुरू कर देते हो अब एक सोसाइटी में अगर बहुत सारे लोग रहते हैं तो या आप आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी को ना स्वेटर कोई बना रहा है वुमेन्स है ना कोई भी लेडी स्वेटर बना रही है तो अगर उस सब डिजाइन पूछते हो ना कि भाभी जी ये डिजाइन कैसे बनी है मुझे बताना तो वो बोलेगी अभी टाइम नहीं है मैं कल बता दूंगी वो आपको जल्दी उस डिजाइन को बताती नहीं है कि अरे मेरी कॉपी कर लेगी ये वैसे स्वेटर बना लेगी कोई बहुत अच्छी डिश बनाता है आपने खाई आप उससे रेसिपी पूछोगे ना तो बहुत जल्दी बताएगा नहीं कहेगा नहीं नहीं यार मेरी जैसी इसकी बन जाएगी तो लोग मेरे यहाँ खाएंगे तो कैसे तारीफ करेंगे कि इसके हाथ की डिश ये वाली अच्छी है मगर वैसे चीज में क्या है हम थोड़ा सा भी करते हैं तो हर किसी को बता देते हैं कि भाई आप एश्योर के प्रोडक्ट यूज करिए ये फायदा देगा आप मिलान के प्रोडक्ट यूज करिए ये फायदा करेगा आप सप्लीमेंट्स खाएंगे आपको ये फायदा करेगा जो भी मिलता है हर किसी को बताते हैं हैं क्योंकि यह शेयरिंग बिजनेस है अगर हम शेयर करते हैं, तो बहुत बढ़ता है लोग शेयर करने से बहुत घबराते हैं बोले नहीं नहीं शेयर नहीं करेंगे वो मेरे जैसा हो जाएगा मेरे जैसा बढ़ना और जितना भी आप शेयर करते हो ना लोगों से उतना ही ज्यादा आपकी नॉलेज इनहेंस होती है उतना ही ज्यादा आप अपडेट होते हो आप कभी भी करके देख लीजिए दो आप सप्लीमेंट उठा लीजिए या CMD, कुछ भी कोई भी कोई दो प्रोडक्ट आप, आप दो प्रोडक्ट लोगों को बताइए जब वहां से क्वेश्चन आएगा ना आपसे कुछ उसने पूछ लिया और आपको मालूम नहीं होगा तो आप घर में आके इसको रीड करोगे उसको नोट डाउन करोगे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करोगे अपने आप को कि नहीं मुझे इसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है तो भले ही आप दो चार प्रोडक्ट के बारे में सीखते रहो आप लोगों को सिखाते रहो ऐसे ही आप पढ़ते चले जाओगे स्पेशली इस आपको कोई क्लास ख्या नहीं करनी मगर इवेंट्स अटेंड करेंगे तो आप आपकी ग्रोथ पक्का आपके जितने भी ड्रीम्स हैं सब पूरे हो जाएंगे यहाँ पे ये सब चीजें लोगों को बताना जरूरी है चलो लास्ट में मैं एक कोट के साथ खत्म करती हूँ मुसाफिर हूँ मैं अपनी मंजिल का मकसद सिर्फ उसे पाना है आप सभी लोगों के लिए हम ये चीज बोल रहे हैं मुझे भी अभी बहुत कुछ करना है मुसाफिर हूं अपनी मंजिल का मकसद सिर्फ उसे पाना है जब तक न मिले मंजिल जब तक तक मिले मंजिल मेरी तब तक ना रुकना है न थमना है बस चलते जाना है बस चलते जाना है बस चलते जाना है थैंक यू सो मच विश थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने बैठकर मुझे सुना इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसमें से कुछ अगर हमारे साथ ट्रिप पे मिलती हैं तो ही मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि आप लोगों ने मुझे सुना और चाहा कि कुछ करना है क्या बताऊ आज तो आपने बिल्कुल इमोशनल कर दिया बहुत बढ़िया शासन किया और सब लेडीज को दिल से छुआ होगा कि क्या कैसे करके कितने लोगों ने इन्हें भी कहा, कहा चक्कर में पड़ गए कुछ नहीं होता है और कैसे बिलीव करके और कहा हरियाणा से बिलोंग करती है जहां पर लेडीज कोई आगे बढ़ती ही नहीं थी और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और करके दिखाया तो इससे बड़ा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता कोई बिल्कुल बिल्कुल आपने करके दिखाया कुछ भी और सबसे बड़ी बात है हेजबेंड को जब दिखाया जब डायरेक्टर बन गई <laughs> इतनी बड़ी बात है कि कर वही ऐसे काम करो खामोशी से सफलता ही सोनी दे वो काम वो खामोशी से काम किया और करके दिखाया और लोग कहते हैं ना हजबैंड मुझे मना करते हैं हजबैंड से बार बार पूछते हैं है? कुछ काम ऐसे करो ना कि सफलता करके दिखाओगे तो हेजबैंड भी मना नहीं करेंगे ये तो सोचेंगे अरे ये तो फालतू के काम में पड़ी रहती है होता ने तो ने और बोलना चाहूंगी जो फीमेल्स फीमेल कि हस्बैंड मना कर रहे हैं या फैमिली में लोग आग... मना कर रहे हैं मैं उनसे खुद सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या वो करना चाहती हैं अगर वो करना चाहती हैं दुनिया का कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता आप करके दिखाओ ना पहले करके दिखाओ ये कमिटमेंट आपको अपने आप से लेनी ही पड़ेगी कि मैं करके दिखाऊंगी जैसे मैंने किया बिल्कुल यही कमिटमेंट है जो हमें अपने को आगे बढ़ाता है और अपने को ही रोकता है अगर हम सोच ना हार जीत मन की बात है ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है इन्होंने ठान लिया था और करके दिखाया तो ग्रेट ग्रेट सुपर सेशन और बहुत अच्छा लगता है जब हम फोरन ट्रिप जाते हैं मिलते हैं एक दूसरे को देखते हैं नैना जी हमारे शुरू से साथ है और इतनी मतलब इनका नेचर है जब भी मिलती है ऐसे गले लगा लेती है और इतना मतलब एक अच्छा लगता है जब हम क्रूज में गए थे मिले थे अब गए थे मतलब जब भी तो ये बिजनेस ऐसा है जो हमें इतना इतना एंजॉय अगर जॉब कर रही होती नैना जी क्या तो फॉर ट्रिप जा रही होती अपने बेटे को भी लेके गई थी ना क्रूज में तो आप विद फैमिली गए थे हम विद फैमिली जाते हैं हमेशा बिल्कुल हाँ, विद फैमिली कितना अच्छा लगता है कि बच्चों को गिफ्ट करो फॉरन ट्रिप सॉरी अभी मैंने वियतनाम की और थाईलैंड की ट्रिप की फोटो इसमें रहेगी लगाने में शादी में गई थी एक्चुअली तो अच्छा। मेरे से मिस हो गई इसमें लगानी अभी मेरे चार पांच फॉरेन ट्रिप और है जिसकी पिक फ्री में लगा पाई जल्दी-जल्दी में कितनी बड़ी बात है कितनी लेडीज होंगी यहाँ बैठी है जो प्लेन में बैठी होंगी ये देखिए बहुत कम हाथ खड़े होंगे कि भाई हम प्लेन में बैठे हैं पर वेस्टेज करके कितना अच्छा लगता है कि भई हमने इतने फॉरेन ट्रिप ले लिए इतने फॉरेन ट्रिप ले लिए तो वाकई में दिल से इस काम को करना है और मुझे तो सारी दिखाई दे रही है जितनी भी बैठी है प्रीति जी ने तो ले ही लिए इतने फॉरन टीम नीतू जी ने भी ले लिए भाविका जी मुझे दिखाई दे रही है कि इसमें बहुत अच्छी लीडर बनेंगी है और मैं सोच रही थी एक दिन ऐसे ही ये सेमिनार कर रही होगी भाविका जी क्राउन बन के मैं सोच रही थी बिल्कुल कि अरे ये तो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट होंगी जिस हिसाब से चल रही है बहुत अच्छा लगता है कुछ लीडर तो ऐसे हैं जो कहना ही नहीं पड़ता जैसे नैना जी ने कहा कुछ लोग होते हैं ना को फोन करेगी तो बैठेंगे नहीं तो नहीं कहना पड़ता है कि आज बैठ जाइए भाई स्पेशल आज हो रहा है तो कुछ लोग अपने मन से बैठते हैं कि भाई आज मैं देख रही थी कि दस पचास से पहले सब लोग बैठ गए थे दस लेडीज बैठ गई थी काम निपटा के तो एक लगन है कि भाई हाँ हमें टाइम से बैठना है तो यही सारी चीजें आ जाएंगी तो आप से खास बन जाओगे आप सबके भी ऐसे ही सेमिनार हो रहे होंगे तो ग्रेट सुपर सेशन था सुपर मैं तो सुनती रही ध्यान से क्योंकि बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा बोली बहुत बढ़िया और यहाँ पर बुलाया इनवाइट किया मैंने भी मना नहीं किया एक दिन का टाइम था आपने एक दिन का टाइम मुझे दिया और मैंने मना नहीं किया क्योंकि मैं कभी किसी को मना नहीं करती बिल्कुल 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 हम सब एक फैमिली है वैसे चीज में यही तो सिखाया है कोई क्रॉस लाइन नहीं कुछ भी नहीं सब फैमिली है हर किसी को अब अप...